सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए बनाने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको इंस्टाग्राम अकाउंट से रिलेटेड प्राइवेसी के बारे में बताने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप भी इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में इंस्टाग्राम की प्राइवेसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज, प्राइवेसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए प्राइवेसी लाइफ में भी ज़रूरी होती है, प्लस हमें मोबाइल में भी हमारे लिए प्राइवेसी ज़रूरी होती है। सो गाइज़, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से इंस्टाग्राम पर प्राइवेसी ले सकते हैं, यानी कि सुरक्षा ले सकते हैं। सो गाइज़, इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइज़, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख रहे हैं यूनिक टेक्निकल पॉइंट चैनल। सो गाइज, ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। मोबाइल की मेन स्क्रीन पर आकर यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। देख लीजिए, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहाँ पर मैं आपको प्राइवेसी की सेटिंग बता देता हूँ, यानी कि इंस्टाग्राम अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग की बता देता हूँ। उसके लिए सिंपली से फ्रेंड्स, अगर आप होम पर हैं, आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। प्रोफाइल पर जब आप क्लिक कर देंगे, सिंपली से आपको 3 लाइन ऊपर की तरफ देखने को मिल रही होगी। 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। 3 लाइन पर जब आप क्लिक कर देंगे, नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग का। सेटिंग पर आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं सबसे पहले है फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स एंड नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, ये दोनों सेटिंग्स मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। अगर आप ये सेटिंग देखना चाहते हैं, यानी कि ये इस सेटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं, इन वीडियो का आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको बता देता हूं तीसरे नंबर की सेटिंग जो है प्राइवेसी। प्राइवेसी पर जैसा कि यहां पर मैं ऑन करता हूं, आपको भी क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल रहा होगा। यहां पर आपको 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में आपको कनेक्शंस के बारे में बताने वाला हूं। सो गाइस, देख लीजिए, जैसे कि यहां पर मैं इंस्ट्रक्शंस, यानी कि पहला पार्ट इस वीडियो का है, यहां पर मैं बता देता हूं इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सिंपली से जैसे कि यहां पर हम कमेंट्स पर क्लिक करते हैं, कमेंट्स पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर कुछ ऑप्शन ओपन होकर आते हैं। कमेंट्स के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, यहां पर अलाउ कमेंट्स फ्रॉम पहले ऑप्शन की कंट्रोल्स बता देता हूं मैं क्या है। यहां पर जैसे हम यहां पर इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो वीडियो पर कौन कमेंट करे, यहां पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बाय डिफॉल्ट एवरीवन पर क्लिक होगा, यानी कि कोई भी आपको कमेंट कर सकता है। पीपल यू फॉलो एंड योर फॉलोवर्स, फ्रेंड्स आपके जो फॉलो है और फॉलोवर्स हैं, फॉलोइंग एंड फॉलोवर्स हैं, वो आपको कमेंट कर सकते हैं, अदर कोई नहीं कर सकता। या जिसने आपको फॉलो किया हुआ है वो, और आपने जिसको फॉलो किया हुआ है वही आपके फोटो एंड वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, अदर कोई नहीं कर सकता है। सो गाइज, अगर आप ये ऑप्शन ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ तीसरे नंबर पर, जैसे यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ। सो गाइज, देख लीजिए, तीसरे नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ रहा है 273, यानी कि 273 पीपल यहाँ पर मेरे हैं, 273 पीपल यहाँ पर मेरी फॉलोइंग है, यानी कि 273 पीपल को मैंने फॉलो किया हुआ है, यानी कि मेरे फ्रेंड है जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है, वही मेरे फोटो एंड वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, अगर मैं तीसरे नंबर की सेटिंग ऑन करता हूं तो। गाइस, देख लीजिए, चौथे नंबर की सेटिंग पर, जैसे यहां पर मैं योर फॉलोवर्स पर क्लिक करता हूं, 40 पीपल यानी कि 40 फॉलोवर्स है मेरे, ओनली 40 पीपल ही मेरे फोटो एंड वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है। सो गाइज, मैं इसको बैक कर देता हूँ। आई होप कि ये सेटिंग आपको पसंद आई होगी एंड समझ आ गई होगी। बैक करने के बाद नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ब्लॉक कमेंट्स फ्रॉम पर हम इसको क्लिक कर देंगे। यहां पर देख लीजिए, यहां पर आप मैनुअली किसी की कमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड, आप चाहते हैं कि मैं इस फ्रेंड की कमेंट्स को ब्लॉक कर दूं, यानी कि इसकी कमेंट्स मेरे फोटो एंड वीडियो पर ना दिखे, क्योंकि आपको लगता है फ्रेंड्स वो गलत भी कमेंट कर सकता है, सो गाइज़ उसको आप यहां पर सर्च करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। सो गाइज़, देख लीजिए, जैसे कि यहां पर मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको किस तरीके से आप यहां पर इसको ब्लॉक करेंगे। यहां पर देख लीजिए, जैसे कि यहां पर पहले नंबर पर आपको देखने को मिल रहा टेक्निकल वीडियो, ये मेरा दूसरा चैनल है इंस्टाग्राम अकाउंट का। तो गाइज़, आप यहां पर सिंपली इसको ब्लॉक कर देंगे अगर ब्लॉक करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसको ब्लॉक कर देता हूं, यानी कि इसकी कोई भी कमेंट मेरे फोटो एंड वीडियो पर नहीं आएगी, मैं इसको सिंपली से ब्लॉक कर दूंगा। अगर आपको अनब्लॉक करना है, सिंपली से आपको अनब्लॉक पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। सो गाइज, मैं आपको बता देता हूं, तीसरा ऑप्शन है फिल्टर्स के नीचे आप देख सकते हैं ऑफेंसिव कमेंट्स, ऑटोमेटिकली हाइड कमेंट्स दैट मे बी ऑफेंसिव फ्रॉम योर पोस्ट एंड स्टोरीज। आपके फोटो एंड वीडियो पर कमेंट आती है फ्रेंड्स, वो कुछ कमेंट्स गलत भी होती है, बैड कमेंट्स होती है, तो आप उसको अगर फिल्टर करने, यानी कि आप उसको हटाना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आपके फोटो एंड वीडियो पर वो कमेंट
कंटेंट ना आए तो आप इस डॉगल को ऑन कर देंगे, यानी कि इस सेटिंग को आप ऑन कर दोगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप इसको ऑफ कर दोगे। सो गाइज आई होप कि आप इसको ऑन ही करोगे, जिससे कि मैं भी इसको ऑन कर देता हूँ। मैनुअल फिल्टर यहाँ पर आप मैनुअली भी किसी को कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ मैनुअल फिल्टर पर। मैनुअल फिल्टर पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऑप्शन ओपन होकर आएंगे। यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स यहाँ पर कीवर्ड्स डाल सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बेड लिखता है हमारी कमेंट में, बेड लिखता है हमारी कमेंट में, वो शो नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। अगर मेरी कमेंट में कोई बैड वर्ड लिखता है, बेड लिखता है या कुछ एंग्री लिखता है या कुछ भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद आपको कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद फिर वर्ड कुछ वर्ड लिखना है, जैसे कि एंग्री के बाद मैं कुछ भी लिख देता हूँ, डर्टी लिख देता हूँ। डर्टी के बाद यहाँ पर मैं कोमा लगाकर दूसरा वर्ड, अगर आप जौन सा वर्ड आप चाहते हैं ये वर्ड मेरी कमेंट में ना आए, आप कोमा लगाकर ऐड करके उससे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप रिपोर्टेड वर्ड्स के लिए भी सेटिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये सेटिंग भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा, एंड मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद दूसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि कमेंट्स की यहाँ पर सारी सेटिंग हो गई है। मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको टैग्स का एक ऑप्शन देखने को मिला। टैग्स, अगर आपका फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा टैग करता है अपने फ़ोटो पर, यानी कि वो आपको टैग करता है और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप इस सेटिंग को ऑन करके इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो गाइस देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ। टर्न ऑन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, ये टर्न ऑन हो गया है। आपका फ्रेंड अगर आपको टैग करेगा तो वो आपकी टाइमलाइन में नहीं जाएगा, आपकी प्रोफाइल में नहीं जाएगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं किसने आपको टैग किया है, तो आप पेंडिंग टैग्स में देख सकते हैं, वो इस लिस्ट में आने वाला है। आगे को जो भी आपको टैग करता है वो पेंडिंग टैग्स में आ जाएगा। फिलहाल मेरा 0 है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं, टर्न ऑफ यहाँ पर आप कर देंगे, ऑफ करना चाहते हैं, टर्न ऑन करना चाहते हैं, इसको सिंपल से टर्न ऑन कर सकते हैं। सो तीसरा ऑप्शन है स्टोरी का, स्टोरी पर जैसे कि यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। हाइड स्टोरी फ्रॉम, अगर आप हाइड करना चाहते हैं किसी से स्टोरी, यानी कि आप जो स्टोरी डालते हैं वो किसी से हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। सो गाइस देख लीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10 को मैंने यहाँ पर कर दिया। इसको मैं ऊपर से बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टैग्स, यानी कि स्टोरी पर, स्टोरी पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 11 पीपल, यानी कि मैंने 11 को कर दिया था, सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 फ्रेंड्स से मैंने अपनी स्टोरी को हाइड कर लिया है, यानी कि जो मैं स्टोरी डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, वो मेरे फ्रेंड्स नहीं देख सकते हैं जिन 11 फ्रेंड्स को मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। सो गाइज आप देख सकते हैं क्लोज फ्रेंड्स, अगर आप क्लोज फ्रेंड्स किसी को करना चाहते हैं, 0 पीपल हैं, आप किसी को क्लोज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली से 0 पीपल पर क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद किसी को आप क्लोज करने के लिए उसको ऐड करके यहाँ पर आपको नीचे की तरफ क्रिएट लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, क्रिएट लिस्ट पर आप क्लिक कर देंगे। सो गाइज यहाँ पर आपका फ्रेंड्स ये क्लोज हो गया है। अलाउ मैसेज रिप्लाइज, यानी कि फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई स्टोरी डालते हैं उस पर बहुत सारी रिप्लाई आने लगते हैं कि आपने ये किस तरीके से किया। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपकी स्टोरी पर कोई कमेंट आए, यानी कि आपकी स्टोरी पर कोई रिप्लाई करे, तो आप इसको ऑफ यहां से कर सकते हैं। अगर एवरीवन कर सकते हैं तो कोई भी आपके स्टोरी पर रिप्लाई कर सकता है, एंड यहां पर आप पीपल यू फॉलो, जिनको आपने फॉलो किया हुआ है वो ही आपकी स्टोरी पर कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि ये सेटिंग भी आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेविंग टू गैलरी, अगर आप कोई स्टोरी डालते हैं और आप उसको गैलरी में सेव करना चाहते हैं, सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है सेव टू गैलरी। अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको ऑफ कर सकते हैं। सेव टू आर्काइव, अगर आप आर्काइव में सेव करना चाहते हैं इसको ऑन कर सकते हैं, यानी कि आपकी स्टोरी जब डिसअपीयर हो जाएगी फ्रेंड्स, स्टोरी आर्काइव में सेव हो जाएगी। सो गाइज देख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेटिंग है शेयरिंग के में, अलाउ रीशेयरिंग टू स्टोरीज, यानी कि आपने स्टोरी पर कोई चीज डाली, कोई वीडियो डाली और आपका फ्रेंड उसको अपनी स्टोरी में शेयर कर देता है, अगर आप ये सेटिंग ऑन रखते हो तो। सो लीजिए यहां पर आपकी स्टोरी कोई मैसेज में भी शेयर कर सकता है, यानी कि आपकी कोई स्टोरी है उसको लेकर कोई भी फ्रेंड्स किसी दूसरे फ्रेंड्स के पास मैसेज के थ्रू सेंड कर सकता है, तो आप ऐसा नहीं चाहते हैं इसको ऑफ कर देना है। सो गाइज देख लीजिए, सबसे नीचे ऑप्शन है शेयर योर स्टोरी टू फेसबुक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्टोरी को साथ साथ, यानी कि इंस्टाग्राम के साथ साथ फेसबुक पर भी शेयर करना चाहते हैं, तो सिंपली से आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। ये हुई सेटिंग, मैं आपको लास्ट सेटिंग बता देता हूँ। नीचे आप देख सकते हैं एक्टिविटी स्टेटस, अगर यहाँ पर हम इसको ऑफ करते हैं, सो गाइज यहाँ पर आप इसको ऑफ करते हैं तो आप यहाँ पर ऑनलाइन नहीं आओगे, यानी कि अपने फ्रेंड को ऑनलाइन नहीं दिखोगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।